मात्र 15 मिनट में शरीर में कितनी भी थकान हो या आपको आती है बार बार कमजोरी, तो कैसे भी कमजोरी होगी दोस्तों या फिर आपको थकान लगती रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। आजकल का जो अनुचित खान पान है अपने फूड में, ऐसे हेल्दी चीज़ नहीं डाइट में नहीं ले पाते हैं या फिर लेते नहीं हैं लापरवाही की वजह से। दूसरी चीज़, हम बाहर का तला फला या फास्ट फूड ज़्यादातर लोग आजकल के समय में लोग खाते हैं, भूख लगी रहती है तो तुरंत ही बाहर का कोई भी फास्ट फूड खा लेते हैं, इसे पेट तो भर जाता है। लेकिन आपको पता है ये सारे फास्ट फूड जाके हमारे पेट में हमारे आंतों को कमज़ोर करते हैं। जब हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, काम करना स्लो कर देती हैं, तो शरीर में हमें थकावट और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होने लगता है और कई सारी ऐसी बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। और हमारा जो अनुचित खान पान है, इसके अलावा दोस्तों समय कम होने की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से जो हम हेल्दी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कुछ नहीं तो 15 मिनट के लिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ये एक्सरसाइज करने से हमारा मानसिक जो हमारा मजबूत होता है, हमारा दिमाग शार्प होता है, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, जिससे हमारे मन तो शांत होता है हमारे शरीर को भी हेल्दी बनाता है। बच्चे भी फास्ट फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, यही कारण होता है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और आंतें कमज़ोर होने की वजह से बार बार थकान महसूस होती है। आजकल के छोटे बच्चे भी देखिए थोड़ा सा खेल लेते हैं, उनको थोड़ा सा थकान तुरंत ही कहेंगे थकान महसूस होने, यही कारण होता है बाहर का तला फला, बाहर के जो खाने होते हैं फास्ट फूड वगैरह होते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं हमारी आंतों को कमज़ोर करती हैं, जिससे हमारे शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इससे कई सारी बीमारियाँ होने लगती हैं, पेट की बीमारियाँ तो होती हैं और बार बार थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। तो आज जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, इसे सिर्फ 15 मिनट के अंदर कैसे भी थकान और कमजोरी उसको दूर करेगा, साथ साथ आपके आंतों को भी बल देता है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये हमारे घर में ही आसानी से मिल जाता है, इसे हम कहते हैं घी। घी मार्केट का घी नहीं लेना, आपको घर का बना हुआ देसी घी जो होता है, ये देसी घी ही इस दवा के लिए काम में आता है। इस रेमेडी में आपको देसी घी ही यूज़ करना है। अगर गाय के घी हो तो बहुत ही बेस्ट है, गाय का अगर घी मिलता है दोस्तों तो ये किसी दवा से कम नहीं होता। लोग कहते हैं घी खाने से मोटे होंगे वजन बढ़ेगा, नहीं, गाय का देसी घी जो होता है हमारे आंतों को इतना बल देता है, आंतों में कैसे भी खुश्की हो कमजोरी उसको दूर करता है। तो आपको कैसे सेवन करना है देखिए दोस्तों, रात में सोते समय दूध पीने की हैबिट तो डालनी ही चाहिए। तो डेली अगर आप दूध पीते हैं दोस्तों तो आपको इसी तरह से लेना है, एक गिलास दूध गुनगुना दूध लीजिए जैसे आप नॉर्मली रोज पीते हैं उसी तरह से, और उसमें ये जो एक चम्मच आपने देसी घी लिया है इसी घी को आप उसके अंदर मिक्स करिए और इसे घोल लीजिए। उसमें स्वाद के अनुसार आप मीठा धागे वाली मिश्री है या फिर आप शक्कर लेते हैं चीनी लेते हैं तो उसको डाल के जैसे पीते हैं ना, इसको आप छोटे बच्चों को भी करिए। छोटे बच्चों को भी करेंगे तो उनके भी माइंड शार्प होगा, मानसिक थकान नहीं होगा, शारीरिक वीकनेस जो होती है वो भी दूर कर देता है। तो इस तरह से आप इसको, छोटे बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच घी डालिएगा, बड़े हैं तो इस तरह से एक चम्मच भर के आप घी इसमें डालिए। और जैसे हमने बताया ना, मार्केट की घी नहीं लीजिए, प्योर ब्रांड की अच्छी शुद्ध गाय की घी हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना घर में ही आप मलाई को कलेक्ट करिए और घर में ही इस घी को बनाइए। इस तरह से जो घी बनता है ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेशन नहीं पड़ा होता है, प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो हमारे हेल्दी होता है। मार्केट के जो घी होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, इसे बहुत लंबे टाइम तक वो ख़राब नहीं होता है। तो आपको घर का बना घी यूज़ करना है, बस सिंपल सा ये ट्रीटमेंट है दोस्तों। अगर आप इसे करते हैं तो कितनी भी आपको शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी, आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको मात्र 15 मिनट के अंदर आपको इससे आराम मिलेगा। दिन के टाइम भी आप इस उपचार को कर सकते हैं, जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक गिलास दूध लीजिए और इसी तरह से एक चम्मच ये घी डाल के आप उसको पीजिए। आप देखेंगे दिन भर आपको कितना भी काम करेंगे शारीरिक थकान मानसिक थकान आपको नहीं लगेगा और इंस्टेंटली आपको एनर्जी देता है। तो दोस्तों इस तरह से सिंपल से उपचार को करिए और साथ साथ अपने खाने पीने का ध्यान जरूर दीजिए। बाहर के तले फले फास्ट फूड नहीं खाना है आजकल के टाइम में लोगों को, इसीलिए पेट से संबंधित बीमारियाँ हो जा रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो पहले के टाइम पर कभी होती ही नहीं थी, बहुत रेयर केस होता था जब लोग बीमार होते थे। लेकिन तो इसी यही वह कारण होता है कि बाहर का जो फास्ट फूड हम वगैरह खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बच्चे भी हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग बहुत ईजिली दे देते हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए और हेल्दी डाइट अपना लेना स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपका हेल्थ कितना अच्छा रहेगा और आप इसी रेमेडी को करके बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, तो इसे एक बार आप जरूर आजमा के देखिए, आपको इसे इंस्टेंटली आराम मिलेगा और मानसिक शारीरिक हर तरह के थकान को दूर करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।